कक्षा 10 गणित के इस पीरियड में सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 के कुछ और सवाल कराते हैं। देखिए, 13वां सवाल है, एक त्रिभुज एबीसी जिसका सी समकोण है कि भुजाओं CA तथा CB पर क्रमशः D और E स्थित हैं। सिद्ध करिए कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। त्रिभुज बना लिया हमने, CA पर D है और CB पर E है। एक त्रिभुज ABC दिया है, एक त्रिभुज ABC इसका C समकोण है CA और CB पर बिंदु D और E है। सिद्ध क्या करना, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उत्पत्ति समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ACE इस वाले में कर्ण यह है पाइथागोरस प्रमेय से। ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर या सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लंब कवर आधार कवर प्लस लंब कवर। अब दूसरा समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी ये वाला ऊपर का ले लें, इसमें क्या होगा, बी डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। समीकरण 2 और समीकरण 1 इनको जोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। अब क्या होगा, सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर एक साथ कर लिया और बाकी जो बचा सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर एक साथ कर दिया, तो सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर का मान कितना, ए बी स्क्वायर। देखिए सी ए स्क्वायर यह है और सी बी स्क्वायर यह है, तो ए बी स्क्वायर हो गया। और दूसरा क्या है, डी स्क्वायर के लिए सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये ई डी, ये क्या है, डी स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हमारा ये सूत्र प्रूफ, ये सवाल जो है प्रूफ हो जाता। क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए सवाल नंबर 15, किसी संभाव त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3, ये बिंदु एक तिहाई बिंदु पर आ रहा, इस भाग इसके तीन भाग कर दिए हमने तो ये तिहाई पर आ रहा। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। माना संभाव त्रिभुज की भुजा एक मान A मान ली, सबकी A है, ये भी A, ये भी A है, क्योंकि सब बराबर होते हैं संभाव त्रिभुज में। तब क्या दिया हुआ, BD बराबर 1/3 BC है, तो BD बराबर 1/3 BC, CD बराबर 2/3 A। देखिए किसी भी त्रिभुज जब किसी भुजा के तीन हिस्से करेंगे तो बचा हुआ भाग जो होगा 2/3 बचेगा, तो CD हमारी कितनी बची, ये 2/3 रह गई। अब AE परपेंडिकुलर टू BC, AE जो है BC पर लंब है, तो लंबवंश का कोण हो गया ये वाला हमारा, देखिए ये वाला। उसके बाद क्या है, तो क्या होगा, डी बी बराबर ई सी, बी बराबर ई सी, और डी कितनी हो जाएगी, डी ये वाली, इसमें से इसे घटा दें, बी माइनस बी डी, और बी कितनी है 1/2 ए, आधा ए हो गया, और माइनस ये 1/3 ए ही थी, माइनस 1/3 ए ही, तो इसमें घट के कितना आ गया, लघुत्तम ले लेंगे इसका 6, कितना आ जाएगा आपका 3-2 यानी 1/6 आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी देखिए क्या है, ए डी स्क्वायर ही ले लिया, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस किसको लिखा हमने, ए डी स्क्वायर को लिखा। अब ए को हमारा जो है ए, देखिए सूत्र से ए स्क्वायर बराबर हुआ ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस त्रिभुज में ले लीजिए पूरे में, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घटा देंगे तो लंब आ जाएगा इसका, तो यहां हम रखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए बी का मान रख देंगे ए, और इसका बी का मान कितना, 1/2 ए, और इसका 1/6 ए, सबको वर्क करने के बाद जोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4 प्लस ए स्क्वायर 36 लग उत्तम आ गया, 36 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बचा हमारा 28 ए स्क्वायर 36। 28 को हमने काट लिया, 4 से 4 9 36, 4 7 28 हो गया 7 ए स्क्वायर 9, तो ए डी स्क्वायर बराबर हो गया 7 ए स्क्वायर 9, यहाँ लिया 9 ए डी, त्रिचुगुणा कर दी, 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या, ए का मान कितना था, ए बी था, तो 9 ए डी स्क्वायर बराबर हो गया 7 ए बी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था आज के पीरियड में, बस इतना ही, कल फिर कुछ और प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।